महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। ये कहानी गवाह है उस वक्त की जब मराठा साम्राज्य का ध्वज छत्रपति शाहू महाराज के हाथों में लहरा रहा था और जिनके पेशवा थे बाजीराव बल्लाल। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। जब बाजीराव अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहे थे, तब पूना में उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, शनिवार वाड़ा। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। अड़ा उठाओ पर बुंदेलखंड जा। हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता, और वैसे भी आपके साथ अकेले रहने में खतरा भी हो सकता है। मस्तानी साहिबा, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। फिर तो ये हिसाब अकेले में ही करना होगा। हमने आपका गांव देख लिया मस्तानी साहिबा, अब आप राजपूत नहीं रहे। राजपूत और मुगलों में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पेशवाई में ऐसे राजनीतिक रिश्तों को नहीं मानते। पर हमारा ब्याह तो हो चुका है। नजर मत लगा उनको। वाह, हम उनके बहने उन्हें नजर लगाएंगी। वहाँ नवाब की बीवियाँ उनको एक नजर देखने को तरसती हैं। बहुत अच्छा नाचती हो तुम। शुक्रिया। एक ऐसा नौर कर दीजिए, हमारा रिश्ता भी कबूल कर लीजिए। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकता? पेशवा, ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आपको साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। इस आदमी के लिए आपने ये दिया जलाया है, वो इस आरती के लायक है ही नहीं। ये क्या आपने? आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हो या आई साहिब, जिनकी चर्चा पूना से लेके सातारा तक चल रही है। आप चाहते क्या? पूरा हिंदुस्तान, निजाम से मुलाकात सफल हो। मस्तानी रखेल बन कर रहे चलेगी, पत्नी नहीं। पर याद रहे मां से, बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है। आयाशी ने राव को तुम्हारी जरूरत है, और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मंजूर है? नहीं। सेनापति ऐसे ही नहीं बनते श्रीमंत,
और आज जब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इतनी आसानी से आपने कह दिया कि हम सेनापति नहीं रहे। यह नबंद राव ने मस्तानी को दिल जरूर दिया है, पर साझे हमेशा वतन की नामी थी। अगर जीत का भगवा एक और बार भी ले रहता है ना, तो उस पर हजारों बाजीराव हजारों मस्तानी कुर्बान। महादेव अपने बुलाए मां साहेब। पेशवाई के कलंक को मिटाने का वक्त आ गया है नाना, कैद कर लो मस्तानी को। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। श्रीमंत, क्या हुआ वीर सिंह, यहाँ क्यों आयो? नाना साहेब ने मस्तानी साहिबा को कैद कर लिया। हेलो बच्चे को उठाने की जरूरत नहीं है, बाजीराव का बेटा है, अपने पैरों पर चल के जाएगा। शमशेर बहादुर कैसे योद्धा बनोगे तुम? पेशवा बाजीराव बल्लाल जैसा। अगर आपसे पेशवाई की मोहर चाहिए बाद में, हम नहीं रुक सकते। ऐसा क्या लिखा है इसमें? मस्तानी गिरी होश ने तेरा साथ छोड़ दिया है काशी, अब वो ही है जो राव को बचा सकती है। माँ साहेब हम मोहर नहीं दे सकते और हम राव को हारते हुए नहीं देख सकते। इतिहास हमेशा यही कहेगा कि पेशवा बाजीराव ने जिंदगी की हर जंग को जीत लिया पर अपने परिवार के सामने हार। उसे पेशवाही में कभी कोई हक नहीं मिल सकता। बताओ कैसे मरना चाहती हो? पेशवा बाजीराव के साथ। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है।